भोपाल नगर निगम के वार्ड 40 से भाजपा ने पूर्व पार्षद को हिस्ट्री सीटर बताकर उसकी पत्नी का टिकट काट दिया था। उन्होंने 3060 वोटों से निर्दलीय जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद पति पत्नी दूल्हा दुल्हन का लिबास में जीत का प्रमाण पत्र लेने मतगणना स्थल पुरानी जेल पहुंचे थे। 58 साल का बाबू मस्तान हिस्ट्री सीटर रहा है। बाबू मस्तान का नाम ऐसबाग थाने की गुंडा सूची में दर्ज है। यही वजह थी कि भाजपा ने उनकी पत्नी मसर्रत को पार्षद चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था। मसर्रत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बाबू मस्तान और मसर्रत को दूल्हा दुल्हन के लिबास में देखकर मतगणना स्थल पर अधिकारी कर्मचारी भी मुस्कुराते दिखे। बाबू मस्तान को सट्टा किंग के नाम से भी जाना जाता है। मस्तान पर ऐसबाग सहित शहर के अन्य थानों में 3 अपराध हैं। उनके खिलाफ 2 बार जिला बदर की कार्यवाही हो चुकी है। रेल में चोरी की वारदात से अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद बाबू मस्तान ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देखते ही देखते राजनीति के मैदान में कदम जमा लिया था। कांग्रेस के बाद वह भाजपा में शामिल हुआ। वह खुद भी पार्षद रह चुका है। वार्ड 40 इस बार महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित था। ऐसे में भाजपा ने मसर्रत को टिकट दे दिया था। इसका विरोध होने के बाद भाजपा ने मसर्रत का टिकट काट दिया था। ऐसे में मसर्रत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी और बड़े अंतर से जीत गई। बाबू उर्फ मस्तान इंदिरा कॉलोनी बाग उमराव दूल्हा का रहने वाला है। उसका भांजा जुबेर मौलाना शहर का खूंखार बदमाश है। राजधानी के चर्चित मेवाती हत्याकांड में मस्तान का भाई अकरम मौलाना आरोपी रहा है। तब मस्तान का परिवार सुर्खियों में आया था। 3 साल पहले अतिक्रमण में होने की वजह से बाबू मस्तान के मकान का कुछ हिस्सा भी प्रशासन ने ढहा दिया था। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।